ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। साहित्य संगम संस्थान दिल्ली का वार्षिकोत्सव संपन्न, कवित्री सौम्या मिश्रा अनुश्री हुई सम्मानित। साहित्य संगम संस्थान दिल्ली का वार्षिकोत्सव का आयोजन आज 19 अगस्त को चक्रधरपुर झारखंड के अमर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ मां शारदे की वंदना, युग पुरुष शांति प्रेरिता एक सफल प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ त्रस्त्रीय रहा, जिसमें प्रथम सत्र में विचार संगोष्ठियां, पुस्तकों व पत्रिकाओं का विमोचन एवं प्रसारण किया गया, जिनमें राजवीर सिंह मंत्री जी की कृति श्रच्चा, कैलाश मंडलोई जी द्वारा रचित कृति जलती चलती जिंदा लाशें, पत्रिका सवेरा, छंदेष्टि, अविचल प्रभा आदि सम्मिलित थी। जबकि द्वितीय सत्र में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रतिष्ठित मनुजों को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं सौम्या मिश्रा अनुश्री जी को संगम नूर व सर्वश्रेष्ठ संपादन के सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही सम्मान समारोह में देश के लगभग 60 साहित्यकारों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों आदि के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ अंतिम सत्र में पहुंचा, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए हुए रचनाकारों के भाव भंगिमाओं ने चक्रधरपुर वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक साम अटल जी के नाम आयोजित कवि सम्मेलन में मशहूर शायर हसन काजमी ने सूरों पर श्रोतागढ़ झूम उठे और तालियों की गूंज से सारा सदन झूम उठा। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब।